और वह जो भी साधना करता है उसमें सारी अनुकूलताएं प्राप्त होती है। जिसके घर में गुरु पालताएं हैं, हम देखते हैं हर एक के घर में, मेरे पास बहुत समस्याओं को लेकर लोग आते हैं, गुरु जी हमारे घर में पत्नी बात नहीं सुनती, पत्नी छोड़ दी जाती है, पति पिता है, घर में बच्चा नहीं सुनता, बच्चों को नौकरी नहीं लगी, धन नहीं, अभाव है, वो है। लेकिन ये सबके होते हुए भी अगर एक का संसार सुखमय हो, प्रेममय हो, पति पत्नी प्रेम के साथ रहते हो, बच्चे प्रेम के साथ, घर में आने के बाद उसे घर में रहने की इच्छा हो, ऐसा तभी हो सकता है जिस घर में गुरु पालताएं स्थापित हो। आज मेरा घर भी है, मेरा घर में मैं 6 भाइयों के साथ, उनकी पत्नियां बच्चों के साथ मैं रहता हूँ। और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, उन गुरु पालताओं की स्थापना के बाद मेरे घर से कोई ऐसा दुखी व्यक्ति कहीं नहीं रहता, हम सब आनंद के साथ रहते हैं। और ये कहो भी महिमा है तो गुरु पालताओं की महिमा है। और जिस गुरु पालताओं के कारण मैंने घर स्थापित किया, हमारे घर में मन मुटाव नहीं होता, होता ही तक्षण घर के लिए होता है, लेकिन फिर सब लोग मिलकर आनंद के साथ खाना खाते हैं, आनंद के साथ रहते हैं। और यह गुरु पालताओं की श्रेष्ठता है। आज इस महामाया मंदिर के क्षेत्र में हम आए हैं, इस क्षेत्र की यहाँ शिविर करने की का श्रेय मैं दिनेश दीवान को देता हूँ, जो अपने बलबूते पर, मैंने उनको एक बार कहते कहते कहा था, शिविर करना है तो अपने बलबूते पर करो, किसी के पर आधारित होकर मत करो। और उन्होंने आज ये इतिहास रचा है जो अपने बलबूते पर उनको शिविर किया है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे भी शिविर और भी करें और उनको इससे भी ज़्यादा धन, ऐश्वर्य, आरोग्य, उनके सारे परिवार को, उनके भाई बंधुओं को, माता पिता को, ये सारी चीज़ें प्राप्त हों। उनका यह कार्य है, उनके परिवारजनों को, जो भी उनको इसमें सहायता किए उन सभी को भी यह महामाया का क्षेत्र, उन्हें महामाया उन पर कृपा करें। मैं यहाँ के बहुत सारे साधकों को, यहाँ बहुत सारे लोगों को, इवन दीवान को भी पूछा कि ये महामाया की क्षेत्र की महिमा क्या है, तो सभी लोगों ने यही कह के सुनाया मेरे को कि गुरुजी महामाया थी, यहाँ का राजा था, उस राजा के सपने में आई और वो जंगल में थी और महामाया ने उनको कहा कि मेरा मंदिर बनवाओ, मैं यहाँ हूँ। और राजा ने उस महामाया के विग्रह को बाहर निकाला और यह मंदिर बांध दिया। लेकिन उससे पूर्व क्या हुआ, कैसे महामाया यहाँ जमीन में आई, इसके बारे में वो बताने के लिए सभी को पूछ के देखाऊँ कि इस क्षेत्र की महिमा क्या है। तो अब आगे इसी महिमा के क्षेत्र का मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, जो भागवत में और देवी भागवत में, पद्म पुराण में इसके छोटी सी कहानी आती है। अम्बरीश नाम के एक राजा हुए, जो आज के महाराष्ट्र वाराणसी नाम के तालुक में रहते, वहां राजा थे। और अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत किया करते थे, बहुत उसकी एकादशी करते थे, 12 बजने से पहले द्वादशी के दिन अपन खाना खाकर एकादशी का पूर्ण उपवास करते, भगवान विष्णु की पूजा करते हुए अपना दिनचर्या हर महीने की एकादशी किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि अत्रि महर्षि के पुत्र दुर्वासा महर्षि उनके घर आए, जब वो एकादशी का व्रत कर रहे थे, दूसरे दिन द्वादशी थी, तो अपने घर में अतिथि आया है तो अतिथि को बिना भोजन के हम भोजन कर लेना ठीक नहीं है। यह जानकर दुर्वासा महामन ने कहा कि आज द्वादशी है, मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा, मैं अभी तीर्थ स्थान पर जाकर संध्या वंदन आदि करते हुए मेरी रोज नित्य का अनुष्ठान करके मैं यहाँ आता हूँ, तब तक तू सब शीघ्र ही सब करके रखना, खाने की तैयारी करके रखना, मैं खाना खाने के लिए आता हूँ। पाप बिचारे अम्बरीश महर्षि जो एकादशी के उत्तम व्रति थे, और एकादशी में कहा जाता है कि द्वादशी के दिन मध्यान्ह 12 बजे से पहले कुछ न कुछ खा लेना चाहिए, तभी एकादशी का फल मिलता है। अब देख यह रहे थे कि 12 बजने को आ रहे हैं, एक 10 पल का समय है और दुर्वासा महामुनि नहीं आए, अतिथि की बिना पूजा के अगर हम खाना खाते हैं तो वो पाप लगता है, और अतिथि का अब नहीं पूजा करते हैं तो द्वादशी जाती है, एकादशी का फल चले जाता है, अब क्या करेंगे। तो उन्हें उस 5 से 10 पल थे, तो उसमें उन्होंने ठीक है खाना खाया या ना खाया इसके लिए कुछ ये नहीं होता, आज तुलसी के पान पर पत्ता रखकर पानी पी लेता हूँ, जो द्वादशी छोड़ने का भी व्रत होता है वैसे ही वैसे द्वादशी करने का भी व्रत होता है। तो उन्होंने जैसा ही तुलसी का पानी डाला और पानी पी, दुर्वासा महामुनि आ गए।
बोले तो क्या कर रहा है? उसने कहा स्वामी जी 12 बज रहे थे और द्वादशी आपको पता है, अगर उससे पहले द्वादशी छोड़ देते हैं द्वादशी चली जाएगी, इसलिए केवल जल पिया हूं। तू अतिथि के रहने के बाद, मेरे आने के बाद भी तूने ये बात कही कि जो द्वादशी छोड़ता है तो अतिथि का तिरस्कार करता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। डर गए अम्बरीश महामी, उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या हुआ, मैं तो केवल पानी ही पी रहा था, उन्होंने ऐसा क्या किया कि मेरे ऊपर श्राप देने के लिए भागते हुए है? और दुर्वासा ने कहा आज देखता हूँ तुझे कौन रक्षा करता है। और उन्होंने अपने बल से महामाया का आह्वान किया और उनको उनके ऊपर छोड़ दिया। अम्बरीश की देख तेरा तेरा सब कुछ नाश हो जाएगा। अम्बरीश ऋषि अपने भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए भाग रहे थे और महामाया उनके पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन भगवान विष्णु जैसे ही सामने आए और अम्बरीश को भागते हुए देखे तो उन्होंने अम्बरीश को भक्त रूप जाते और विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर कहा महामाया पीछे आ रही थी, उसने देखा। तब सुदर्शन चक्र पूछते हैं हे माँ तुम बताओ दुर्वासा ने तो श्राप दे दिया और तुम उसके पीछे अम्बरीश के पीछे, उसकी गलती क्या था? क्या द्वादशी का व्रत तोड़ना पानी पीना गलत है? क्या तुम उसे मारने जाओगे? दुर्वासा का श्राप ठीक है? तो महामाया विचार में पड़ गई, उन्होंने कहा उसने जो छोड़ा है मुझे क्या करना है? तो यहाँ जो जंगल है वृक्ष है तुम तुम्हारा प्रताप उस पर बता दो, मैं दुर्वासा को देख लेता हूँ। तब महामाया ने कहा कि हाँ मैं इस जंगल को पूर्ण जलाकर मैं यहाँ स्थापित हो जाती हूँ और वो भूमि स्थापित हो गई और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा महामुनि के पीछे पड़ा। दुर्वासा महामुनि भागते भागते गए सारी जगह कहीं भी गए उनको कोई श्राप का विमोचन नहीं मिला। तब विष्णु ने कहा कि तुझे अगर श्राप विमोचन करना है तो अम्बरीश राजा के पास ही जाना होगा। दुर्वासा महामुनि भागते हुए अम्बरीश महाराज के पास आए और कहा मुझे गलती होगी मेरी क्षमा कर दो, तू सुदर्शन चक्र को लोगे तो वो मुझे जला देगा, वो मुझे खत्म कर देगा। अम्बरीश ने प्रार्थना की महाराज आप मेरे अतिथि हैं, मैं सिर्फ भगवान विष्णु से एकादशी का व्रत के लिए मांग रहा था, मुझे आपको मारने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना की और कहा कि हे सुदर्शन चक्र आप मेरे लिए महर्षि दुर्वासा को छोड़ दो। और महर्षि दुर्वासा सुदर्शन चक्र वहीं जल का कुंड निर्माण हुआ और उसमें जल में सुदर्शन चक्र स्थापित है। आज भी अगर कभी आप वाराणसी जाते हैं तो वहाँ भगवान भगवंत विष्णु का मंदिर है और सुदर्शन चक्र पानी में आज भी घूमते रहता है उस जल में। तो वह जो महामाया शक्ति थी जिसने जो दुर्वासा महामुनि छोड़ी थी वह आज इस जंगल में यहाँ जो भूमि में स्थापित हो गई। जब तक महामाया का मंदिर जमीन में था यहाँ की स्त्रियों पर बलात्कार आक्रांताओं का बहुत ही उनके पुरुषों पर बहुत प्रकार का आक्रमण था, उनको मार देते थे और यहाँ की स्त्रियाँ सती जाती थी। बहुत सारी स्त्रियाँ सती जाती रहेंगी तो यहाँ के राजा जो रत्नपुर के थे उन्होंने प्रार्थना की कि माँ ये कब इन स्त्रियों का यह जो कष्ट पहुँचा रहे ये जो सती जा रही है इनकी रक्षा कैसे होगी? तब महामाया ने कहा कि मैं यहाँ भूमि में स्थापित हूँ, अगर तू ऊपर निकालता है तो इसके बाद कोई स्त्री सती नहीं जाएगी और मैं तेरी शक्ति बनकर उभरूंगी, तू यहाँ मेरे से बाहर निकाल और मेरा मंदिर मान। इस प्रकार महामाया जो उस समय दुर्वासा महामुनि की छुड़ी हुई थी उस भूमि में थी और उस राजा ने उस महामाया के मंदिर को उत्थान किया, उन्होंने देखा और यहाँ महामाया मंदिर की स्थापना हुई। उस महामाया मंदिर की स्थापना होने के बाद जैसे देवी भागवत में कहा गया है वह तीनों शक्तियों से संपन्न थे, महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली। आज आप देखते हैं महालक्ष्मी महासरस्वती और भद्रकाली के रूप में यहाँ तीनों शक्तियों में महामाया के रूप में यहाँ स्थापित हैं और इनकी आराधना सब लोग यहाँ के लोग जितने भी लोग हैं वह दुर्गा सरस्वती का पाठ करते हुए या नवार्ण मंत्र करते हुए इसकी पूजा करते हैं।